नमस्कार दोस्तों डीडी रेड के कॉर रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोक तो भाई आज है पांच फरवरी और पाकिस्तान में इस दिन होती है पूरे दिन भर की छुट्टी और किस लिए होती है तो भारत के कश्मीर के लिए कि जी हम उनके सॉलिडेरिटी में खड़े हैं और इसलिए हम पूरे पाकिस्तान में छुट्टी की घोषणा करते हैं अपनी ही इकोनॉमी को ख़राब करते हैं रैलियां निकालेंगे जुलूसलूस निकालेंगे और बस साल में एक दिन रोग आके और रजिस्टर करा के हम फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे हो गया जी अपना काम हो गया तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में इस पर पब्लिक जो है वो क्या कहती है और सेवनटी सिक्स बाद भी आधा इंच भी कश्मीर का न लेने वाली पाकिस्तानी फौज के लिए उनके मन में और पाकिस्तान के लिए कश्मीर के लिए क्या है आइए देखते हैं तो निमरा का वीडियो है फिफ्थ फाइव कश्मीर डे पाकिस्तानियों ने लगाए इंडियन कश्मीर के नारे अच्छा जी चलिए लेट्स सी है ना आजाद कश्मीर में जाए ना दो गई हूं। आ, वहां पे जो पोजिशन है आप वहां पे जाके जीरो लेवल पे जाके देखे कितनी दुनिया मरती है उनके लिए इनके लिए मरती है एक दूसरे की रिश्तेदारी है कश्मीरियों के लिए जो इंडिया में कश्मीर है कश्मीर इनके आपस में रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी तो पाकिस्तान के कई लोगों की पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर है यूपी में रिश्तेदारी है बिहार में रिश्तेदारी है जी दिल्ली में रिश्तेदारी है जी और पता नहीं कहाँ कहाँ महाराष्ट्र में रिश्तेदारी है जी तो बहुत रिश्तेदारी है हैदराबाद में रिश्तेदारी है जी तो तो भारत में भी रिश्तादारी है रिश्ते हैं वो जाहिर सी बात है वो इधर-उधर जो खानदान है वो तो लाहौर है ना लाहौर में शायद इतना नई न्यू जनरेशन को इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है हाँ। अवेयरनेस देनी चाहिए जब तक कि न्यू जनरेशन में अवेयरनेस नहीं आएगी देखिए 1947 के बाद जो हम आजाद हुए इसमें ये भी हमारा एक पार्ट था जो कश्मीरीयों के लिए था अब वो एक पार्ट था ये आजाद आज़ाद करवाना था ने हासिल किया था ना हासिल किया था हासिल करने के बाद ये एक तय पाया था कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कश्मीर होगा और वही इलेक्शन कराएंगे उनकी अपनी एक होगा आजादी जो इंडिया नहीं कर रहा यूएनओ ने भी करारदा मंजूर की उसके बावजूद नहीं कर रहा यूनाइटेड ने कब करारदा दिया यूनाइटेड करारेशन ने जो चार्टर दिया था उसका पहला रूल हम पर था नहीं रूल तो था आप क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हुई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मैं तो आपसे पूछ रही हूँ तरक्की क्या आप

मेरा काम है सवाल करना मेरा काम है लाना आप, करें, आप ना, ना। करें लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं आप तो गलत भी हो रहा उस पर नहीं उठानी है नहीं क्यों क्यों गलत गलत हो हो रहा है? हो रहा है है वहाँ पर तरक्की नहीं है बिजली की सहूलते नहीं है गैस की ने, सहूलते ने, नहीं है ये गलत नहीं है ये तो आपके बलोचिस्तान में भी चले जाए सिंध के में भी चले जाए पंजाब के चले जाए छोड़ दे सबको करना है ना सही करना है ना ये आप ये सही करना है कि नहीं करना देखिए सर जो है वो बात को एक तरफ देख रहा है ना भाग गए पता चल गया उनको कि मैं फंस गया देखिए इमोशनल बातें करना आपका हक है कीजिए हवा हवाई बातें करना आपका काम है कीजिए लेकिन जब आप यूएनओ में जाएंगे बाकी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे नॉर्मल किसी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट हवा हवाई इमोशनल बातों पे नहीं चलते हैं फैसले इमोशन से नहीं होते हैं फैसले होते हैं दस्तावेजों से कागज से सबूतों से गवाहों से मैंने आज कह दिया कि जी ये लाहौर की ये नहीं ये पीछे दुकान दिख रही है ये दुकान मेरी है अरे मेरे कहने भर से ये चीज नहीं हो जाएगी मैं तो उस, उसके लिए कुछ भी कर दूंगा मेरे कहने से वो नहीं होगा उसके पेपर्स मेरे पास होने चाहिए लीगली वो मेरा होना चाहिए कश्मीर लीगली आपका नहीं है कश्मीर लीगली हमारा है और जिस हिस्से पर आपका कब्जा है वो इलीगल है क्योंकि उसका कागज हमारे पास है मैं असल में ये सर एक बात को देख रहे हैं देखो आपने एक बात की बहुत अच्छी बात आपने की आपने बोला कि दो कश्मीर हैं उन लोगों से कश्मीर संभाला जा रहा है मुला, मुला उन लोगों से संभाला नहीं जा रहा हम... ये नहीं बोला मैंने तो सवाल किया है सवाल नहीं दूसरी बात है ना दूसरी बात ये है ना कि देखो हमारे अंदर जो सूबे हैं हमारे यहाँ बलोचिस्तान से संभाला नहीं जा रहा हमारे यहाँ वजीरिस्तान संभाला नहीं जा रहा साउथ पंजाब हमसे नाराज़ हैं तो तरपारकर वगैरह सिंध हमसे इंटीरियर सिंध से, से नाराज़ है कराची के महाजर हमसे नाराज़ है हम पहले अपने लोगों को एक तो करें फिर बाद में कश्मीर का सवाल उठाएंगे अभी देख के मैं ख़ुद एक रिसर्च कर रहा था कश्मीर में उस उनके कश्मीर में भारत के कश्मीर की जो हम अपना हिस्सा समझते हैं श्रीनगर में वहाँ पर नव यूनिवर्सिटियाँ हैं इस कश्मीर में दो यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं वजरिस्तान में तो एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पर ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहाँ पे स्कूल है कॉलेजेस है रोड्स है उन लोगों को सब सहूलती दी गई है उन लोगों को क्या दिया गया उन लोगों को सब्सिडी दी, दी गई है हमें क्या दिया गया पढ़ा है खुद रिसर्च मैं पी एच डी कर रहा हूँ ना तो ये चीजें पहले हमें अपने लोगों पे हाथ उठाना चाहिए आज बलोचिस्तान से एक लड़की आई थी इस्लामाबाद में वो चीख बलोच मैरंग बलोच वो चीख रही थी क्या मैं पाकिस्तानी तो मानू ना उसके बाद आगे बात बढ़ाते है वो बेटी वो एक एफ सी पी एस डॉक्टर पच्चीस दिन वो इस्लामाबाद के रोड़ों पर कड़ी थी बैठी थी कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदा नहीं आया कि उसके पे सर रखती क्या पाकिस्तानी हो कश्मीर का भाई था रखा जो आपकी बहन साफी ये साफी है आपकी बहन थी ये मेरे भाई थे आज एक और बात आज एक मंजूर पश्चूर के बंदा उसने कहा था की आइन मानो नहीं, नहीं नहीं आप नहीं, सबर तो करें मैं वो की 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 बात करो कानून जो है है एक मुल्क रूह होती है, उस रूह के अंदर काम करते हैं वहाँ पे किसी को उठाया जाता है ठोसा जाता है मार दिया जाता है तो आप मुझे बताए कि तरक्की कैसे करेंगे तरकी। वही तो मेरा कहने का सवाल था कि यूनाइटेड नेशंस में हम जाते हैं ना हमेशा आवाज उठाते हैं जब वो पूछते हैं कि आपने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट किया तो हम जवाब क्या देते हैं यही बात वो उसने कहा था मोदी इंडिया के लोकसभा में बात कर रहा था मोदी उसके पार्लियामेंट वो बोल रहा था मोदी 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 हो नाराज ना उनकी बात ने एक बात की थी पे उसने कहा था कि भाई ये मोदी आपका कश्मीर लेगा मोदी हमसे बोल रहे मोदी हमसे बोल रहे एक मुझे बोल रहा है कि पहले आप अपने पंजाबियों को अपने पठानों को अपने बलोचों को तो संभालो प्रिंस कश्मीर की बात करो बोलेंगे मुझे, मुझे, मुझे रहा। आप रहा। एक भी मुझे मुझे अपने पार्लियामेंट में लोग एक भी ऐसा सवाल पेश करे एक भी ऐसी तरकीब बता दे कि इंडिया की कश्मीर हमें क्यों अपना है वहाँ पे पेट्रोल आपको अस्सी रुपए पे मिलता है यहाँ पे दो सौ नब्बे पे मिलता है वहाँ पे आपके हर चीज में सब्सिडी मिलते है एजुकेशन फ्री है बिजली फ्री है तालीम फ्री है सब कुछ फ्री है यहाँ पे क्या फ्री है

ख्वाब मैं, मैं मानता लेकिन बात ये है ना, जो उसके हाव भाव है मुझे लग रहा है वो हुए। वो हुए और नशे में है क्योंकि आपको नहीं लग रहा वो जैसे बोल रहा है जैसे उसके हाथ तो थिल रहा है ऐसे कर रहा है वो लग नहीं रहा कि वो होश में है वो मैं मैं ड्राइवर हूँ मैंने किसी शहर में है तो ये अभी करना क्या है हम लोगों ने दो हजार चौबीस है ये उन्नीस सौ नब्बे नहीं, नहीं है जूठ मत बोले यार अल्लाह ताला ने कहा लानत को अन दो हजार चौबीस नहीं है मेरा भाई ये अल्लाह उसका भला करे जिसने ये ये बनाया है हमें उसने दिखाया है कहाँ क्या हो रहा है सच क्या है अभी भी हमारे दिमाग में वो भूसा नहीं है दिमाग ने दिया हम पढ़े लिखे मेरा घर बलोचि रहता हूँ बलोचिस्तान में मेरा घर खानोजी में है खानोजी के नजदीक सुई गैस है अभी तक मेरी माँ में अभी तक मेरी माँ लकड़ियों से गाना पकाती है आगा आगा अभी तक मेरे गाँव खानोजी में 18 घंटों की लोड शेडिंग है पश्चिम खानोजी में अभी तक वहाँ पे रोडों का कंसेप्ट नहीं है वह अभी तक वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं, नहीं।, 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 नहीं। है आप बताए जब मैं समझ गई इस एक के मैं भी पाकिस्तान का शेर हूँ आप भी पाकिस्तान की शेरी मुझे वो सहूलतें क्यों नहीं मिल रही मुझे क्यों यहाँ पे पाँच फरवरी पे बात हो रही थी मेरे भाई पाँच फरवरी कल यहाँ पर बहुत बड़ी रैली निकलेगी किस लिए रैली लगा, लगा, निकाल यही तो समझने की बात है हम कश्मीरों को क्या बोले की हमसे मिलो हमारे पास इनको कुछ देने के लिए क्या है हम वो कश्मीरी है आप ऐसे हो वो कश्मीरी है نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

उसको क्या मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही यह से गाली नहीं देना। कश्मीर में सौ फीसदी ये हमारा दिखावा है पाकिस्तान के अंदर हम जितने भी काम कर रहे हैं दिखावे के कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं ना हमारी गवर्नमेंट हो या हमारे वजीर हो मशीर हो ये दिखावे रोते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं अगर कुछ कर रहे होते तो अब सच्चाई में बताता हूं आज आप पूरे पाकिस्तान में निकाल रहे हो जी कश्मीर के साथ खड़े कश्मीर के साथ कश्मीर में भी रैलियां निकल रही हैं कश्मीर में डे बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकल रही हैं मैं आपको दिखा देता हूं ये देखिए ये सब चिपका हुआ है पोस्टर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो वहां पर रैलियां निकल रही हैं वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं सुन लीजिए बेसिकली पांच फरवरी यजहती ये है कि पाकिस्तान की आवाम आजाद कश्मीर के लोगों के साथ यजहती का मुजाह करें और ये कौन सी जगजती है साढ़ी जुतियाँ साढ़े से जगजती भी हमारे साथ मनाई जा रही है तो अला से इधर हम ही दुकाने बाजार बंद कर रहे हैं स्कूल बंद करके जंजीरें बना के खड़े हैं ये कौन सी हमारे साथ जगजती है हमें ऐसी जगजती नहीं चाहिए हमारा मुतालबा है कि आप जगजती करें आप इस पांच फरवरी को हकीकी जगजती का मुजाह करते हुए हमारे जो हमारे हकूक हैं मेरी मुराद बिजली का प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर तयन करना जिसके अंदर वफाक इन्वॉल्व है वो अगर हमारे साथ हकीकी जगजेती का मुजहरा करती है पांच फरवरी का दिन मनाए लेकिन उससे पहले हमें हमारे हकूक दिए जाए इस दफा जो जगजती है वो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी है कश्मीरी कश्मीरी आवाम के हकूक के लिए उनके साथ खड़ी हो और उन अडारों को उन हुकूमतों को ये क्या है कि इनका जायज मुतालबा है मुतालबा तस्लीम करते हुए उनको प्रोडक्शन कास्ट का तयीन करते हुए सस्ती बिजली जो है वो मुहैया की जाए बिल्कुल हम मनाने को तैयार है हमने कब कहा है कि हम जो ये पांच फरवरी नहीं मनाते हम जगजती मनाना चाहते हैं लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि छिहत्तर सालों से जो यगती होती जा रही है इस दफा थोड़ा उसको तब्दील करें उसके तरीका कार को हकी जगजती के ऊपर आए हकी यगती से मुराद ये है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए था हम अपना हक ये मांग रहे हैं कि पानी हमारा डैम यहाँ पे लाके वीरान हो गया मंगला मीरपुर तबाह हो गया हमने आपसे कोई मुतालबा नहीं किया आज हम एक छोटा सा मुतालबा कर रहे हैं कि उसके बदले जो आपने हमारे से जुल्म ज्यादतियाँ की हैं हमें प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर बिजली मुहैया की जाए आप यजहती का मुजाहरा करें हकीकी यजी का मुजाहरा करें और हमारा ये मुतालबा पांच फरवरी से पहले तस्लीम करें ताकि हम बिल्कुल दिल और दमाग ऐसी आपके साथ ये यजेती के अंदर शामिल हो सुन लिया हमें तो दिल को बड़ी ठंडक पै गई भाई साहब बड़ी ठंडक मिल रही है हमें कि मोबाइल ने वो बात सही कह रहे थे चचा जो थे वो कि मोबाइल बन गया सच्चाई दिखने लगी है लोग खुद उनके हाथों में पावर है अगर उसका यूज करेंगे तो सच्चाई पल भर में पता चल जाएगी और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वजीरिस्तान यहां के लोगों ने इस पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है वो अब पाकिस्तान के चूरन में नहीं आने वाले वो जो फर्जी वाले की चीजें और प्रोपगंडा फैलाते हैं वो सब अब धीरे धीरे छट रहा है आने वाले दस से पंद्रह साल में आप देखिएगा पाकिस्तानियों को हर पाकिस्तानि को हर पाकिस्तानी सच्चाई पता चल जाएगी कि सच्चाई क्या है कश्मीर को लेकर अब धीरे धीरे पता चल रही है लोगों को संख्या भी कम है लेकिन जैसे ही वो चेन रिएक्शन बन जाएगा एकाएक एक वो परसेंटेज बढ़ जाएगी देखिएगा मैं तक आजाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा उसमें कितनी तरक्की है तरक्की वहाँ पे हो रहे जुल्म हो है आप जुल्म की बात करें क्या जुल्म हो रहा है वहाँ पे लोगों को चीज सूरत ही नहीं मिल रही वो लोग चीख सहूलत ना मिलना ये जुल्म है तो वहाँ पे पाँच फरवरी का दिन फिर क्यों मनाया जाता है ये बता ड्रामाबाजी और क्या है देखो एक बात है कि जब एक मुसलमानों की धड़कन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं अब हमें दिखाया कि वहाँ पे जुल्म होते हैं हालांकि मुझे वहाँ पे रिसर्च में पता है वहाँ पे इन लोगों की जितनी एजुकेशन की फैसिलिटीज हेल्थ की फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज वो यहाँ के कश्मीरों को नहीं मिल रही हाँ, वो कह रहे हैं वहाँ पर एजुकेशन वगैरह बिजली के बिल वगैरह सब फ्री है वहाँ पर भारत की बात करें आप क्या कहेंगे नहीं वहाँ तो है लेकिन कश्मीर के अंदर नहीं है नहीं वहाँ के कश्मीर के सी वालों को मिल रही आप जाके नेट पे देख देखिए वहाँ पे आठ यूनिवर्सिटी है इस कश्मीर में आप मुझे दिखा दी कितनी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे बत्तीस कॉलेजेस है इस कश्मीर में कितने कॉलेजेस है वहाँ पे तकरीबन तकी सेंक्रोज स्कूल है यहाँ पे कितने स्कूल है वहाँ पे रोड देखे वहाँ पे सब चीज़ें देखे ही मुसलमान हम उसको सपोर्ट करते हैं ये गलत बात नहीं है लेकिन हम उन कश्मीरों को वो नहीं दे रहे जो वो हिंदू दे रहे पहले हमें अपने कौन बना चाहिए मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ पहले देखिए इस भाई ने बिल्कुल सही बात कही है आप जो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहते हैं इस पाकिस्तान की बात नहीं की इंजीनियरिंग की बात नहीं की, इन्होंने जो पे अस्पताल है इतने सारे उसकी बात नहीं की है पाकिस्तानी पैठ जम्मू कश्मीर में क्या है एक उस लड़की की बात याद आती है बेचारी वो जो उसने वीडियो बनाया था वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लड़की है सुनिए कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया हर चीज ने हर मैदान ने पाकिस्तान पाकिस्तान किया हम लोगों को क्या मिला आदा कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल से पाकिस्तान तक आने के लिए पांच घंटे आठ घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है आज कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या माता पाकिस्तान 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 तुम लोग मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते मेडिकल कॉलेज में उनको नहीं मिलते उनके ये है हमने कभी कुछ नहीं बोला सुन लिया आपने इसके बाद भी आप कहते हैं कि जैसा है वैसा है और रुकिए मैं आपको एक और सबूत देता हूं पाकिस्तान में एक बंदे ने पूछा पाकिस्तानी साइड वाले कश्मीर के बंदे से उसका क्या जवाब था सुन लीजिए सुनिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो वो दूसरे किसी मुल्क को भी उठा के कह दें कि इंग्लैंड बनेगा पाकिस्तान वो वही बात है बेतुकी सी बात है उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं पाकिस्तान ने हमें क्या दी पहचान दी है जी मतलब क्या पहचान मैं तो पाकिस्तान का हूँ ही नहीं कश्मीर का हूँ वीजा कहीं लेके जाते हैं तो कहाँ से अप्लाई वो तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे पाकिस्तान क्यों है कब्जा किया है ना पाकसा? पाकसा? मैं अगर आया हूं, तो ये तो नहीं कि मैं पैसे है क्योंकि अमेरिका ने इधर कब्जा नहीं किया हुआ इस सुन लिया आपने। ये है सच्चाई ये है ग्राउंड रियालिटी लेकिन आप लोग सच्चाई स्वीकार करना नहीं चाहते आप लोग अभी भी आज से छिहत्तर साल पहले वाले मूड में हो आपको लगता है कि उसी वक्त दुनिया ठहर गई है दुनिया उससे कहीं आगे निकल गई है और चीजें अब आपके सामने जो आती हैं वो प्रोपगंडा है आपके हाथ में मोबाइल है इंटरनेट है खुद सर्च कीजिए और देखिए सच्चाई क्या है मैं नहीं बताऊंगा आप खुद देखिए और पता कीजिए कि क्या है जैसे इस भाई ने किया इनको पता है कि सच्चाई क्या है हमें एक कौम बनना होगा एक रियासत बनना होगी सच्चा हाथ फिर होगा जो हमसे बलोच नाराज है उसको बनाना होगा पंजाबी को नारा बनाना होगा जहां से लेकर गई है वो बलोच लेकर गई के क्या क्या पाकिस्तानी वहाँ पे इस्लामाबाद तो है। हम बोलते हैं तो कोई सबूत के अलावा हम नहीं मानते हम ने, ये बात को नहीं मानते सिर्फ गवर्नमेंट कहती है नहीं 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 ये गवर्नमेंट कहती है वो दहशत करते हैं ये वो वो बी एल है ये फलान है ये टमकान है मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ बड़ी बात मुझे मेरी गाड़ी को अगवा किया गया मैं ये तो आपको बात बता दो हजार चार की बात है उन्होंने कहा आप इधर क्यों आए मैं हाँ मैं सवारी छोड़ने गया था मैं सवारी छोड़ने गया था मैंने फिर इतने सबूत दिए इतने प्रूफ दिए फिर जाके मुझे उन्होंने छोड़ा। में, में एक क्या है? जो उन बनाना है अगर मेरे वाले दहशत गर्दन के तले ले के आओ उसको वहाँ पे सजा दो उसको लटका दो तो हमारी बात चलेगी बलोचिस्तान में क्या आपको लगता है की जो कश्मीर भारत के पास है वो कश्मीरी जो है वो भारत के साथ खुश है देखिए वो खुश है जो है यहाँ क्या था अभी वो देख रहे हैं जिसके साथ जुलम पठानों के साथ सिंधियों के साथ पंजाबियों के साथ सऊजात की बात कर रहा हूँ उनके साथ जो खैबर पख्तनखा के वज़ीरिस्तान के पठानों के साथ हो रहे वो बिल्कुल खुश है खुश तो, है आप बहुत बड़ी वो बात वो बोल रहे हैं नहीं नहीं वो खुशी इसलिए क्या एक तहफ़ तो है

पाँच फरवरी के सिर्फ कश्मीर के नाम के तौर तो पर डे रखा है एक इतिजाज के लिए दुनिया को दिवा के दिखावे के लिए कर रहे हैं हम लोगों ने उन कश्मीर को लिए ले कश्मीर क्यों जरूरी है कश्मीर देखिए एक पानी का जंग है अच्छा। ये एक पानी का जंग है जो कश्मीर है वहाँ पे जबरदस्त जमीन है वो कहते हैं यारह जहाँ कहते हैं कश्मीर जन्नत है नहीं जो कहते हैं जो जनता है। हम के वहाँ के पानी का झगड़ा है वहाँ के, के दरियाए नील के जो पानी उसका मसला वहाँ पे चले क्योंकि पानी हमें मिले और वहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर हो एक टूरिज्म स्पोर्ट हो तो हम उसको अचीव करने के लिए इतनी सब कोशिश करते हैं लेकिन बतौर मुसलमान हम उसके लिए हमारे जब जुड़े वाकई जुड़े हुए कश्मीर जज्बात तो हैं तो है भाई मुसलमान बात अगर है तो फिर हमारे कश्मीर में तो कोई नजर नहीं आता है।, है अगर हम इन कश्मीर की बात करते इंडिया तो के अंदर हमारे 25 करोड़ मुसलमान हैं उनकी बात फिर क्यों नहीं करते 40 करोड़ करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते इस कश्मीर में ऐसा क्या कि वो 40 करोड़ हम भूल के ये दो करोड़ हमें याद है इसमें तो पानी का कुछ इशू है स्पोर्ट का कुछ इशू है टूरिज्म का कुछ इशू तो है देखो हमें फिर सबकी बात करनी चाहिए मुसलमान तो बताया हमने अपने कश्मीर का आधा पार्ट चाइना को गिफ्ट क्यों किया मैडम जी की एक पोलिटिकल फैसला देने के लिए तैयार बैठे हैं आप कश्मीर की बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ ना मैं सही कह रहा हूँ

वहाँ कहीं फिल्टर नहीं लगा पानी पी। हाँ। अच्छा। पीने का पानी का फिल्टर नहीं लगे हुए तो हम पानी से तंग हमारे लोग पानी की वजह से बीमार रो रहे हैं हम रोना कश्मीर का रो रहे हैं हम दुआ कर सकते हैं कि इस मसले का हल हो जाए बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात जो हमारे सियासतदानों ने कर दिया जो

अनफॉर्चुनेटली uh, ऐसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन लेकिन इसके हट के भी अगली जो बात है कि हम डूबेंगे तो कश्मीर हमारा हम जागेंगे तो कश्मीर हमारा क्योंकि हम एक रूह हैं हम हमारी मतलब कह लेंगे जिसमें भी हमारा एक है जहाँ डूबना है हमने एक साथ डूबना है हमारा मुल्क तरक्की करेगा हम कश्मीर भी साथ तरक्की करेगा हमारा हमारा जो एक चीज़ है ना मेन चीज़ जो है कि अगर तो हम कहें ना कि पाकिस्तान बाकी सारा तरक्की कर गया जो हम कश्मीर का टुकड़ा हमारे पास है उसने तरक्की नहीं की तो फिर वो हमसे बिजली लेते हैं मैं कश्मीर का एक्चुअली दो दफा विजिट करके आई हूँ वहाँ पर यही कवरेज करने गई थी वहाँ की बिजली हम लेते हैं और उनको महंगे दामों में बेचते हैं आपको पता है कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे देखिये इसमें ना थोड़ा सा ये बात है कि हम जो लासानियत या सूबों का या कोमो में बटना नहीं चाहते इसमें एक बलोच नहीं कर सकते अब बलोचिस्तान हमें गैस दे रहा रहे हैं बलोचि हम जुलम हो रहे हैं और यही बात बांग्लादेश में भी हुई थी कि बंगाल हमें पत्ती दे रहा था हम इधर से पैकिंग करके उनको महंगी दे रहे थे ये मामला जो है ना हमारी ऊपरी सतह पर है ऊपरी सतह पर कि हम पच्चीस करोड़ है ना जो सिर्फ चंद हज़ार लोगों का जो इशू है जो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन नीचे वाले पच्चीस करोड़ को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते वो नीचे वे पच्चीस है ना हम कहते हैं कि मेरा सब कुछ कश्मीर पर मैं लुटाने के लिए तैयार हूँ ना सिर्फ मैं लुटाने के लिए तैयार हूँ हमारी हर आवाम हमारे हर दोस्त हम अपने बलोचियों के लिए सिंधियों के लिए हर मज़लूम के लिए हम करने के लिए तैयार हैं फरवरी का जो दिन हमने कश्मीर डे के नाम से मुख्त किया हुआ है हम रेल। आप कहते हैं कि जी हम करेंगे कितने लोग उठ खड़े हुए जब महरंग बलोच दो महीने से ज्यादा इस्लामाबाद में अपने हक की आवाज बुलंद कर रही थी कितने लोग आए पाकिस्तानी कितनी पाकिस्तानी सड़कों पर उतरे कितने लोगों ने महरंग बलोच को सपोर्ट किया बता दीजिए आप पूरी दुनिया ने देखा है साहब ये झूठे झूठी बातें मत करिए बलोचों के साथ आप लोगों ने जो किया है ना वो बलोच ताउम्र और आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेगा चिंता मत कीजिए बलोच भूलते नहीं है कुछ भी और आप ये फर्जीवाड़े का दावा मत करिए आप मुझे दिखा दीजिए कि कितने लोग आए कितने हजार इस्लामाबाद के लोग उनके समर्थन में आए और वहां पर वहां पर उनके साथ पुलिस ने क्या किया उनके साथ क्या क्या हुआ सब हमने देखा है और छुपा नहीं है वो किसी से निकालते हैं दुनिया को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के कश्मीर में क्यों जा रही है यही तो बात है कि हमारे मुल्क में जो स्टेबिलिटी नहीं है जैसा कि पहले हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बीस साल हम उसमें रहे हैं दहशतगर्दी से हम बाहर निकले हैं उसके बाद हे सियासी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं हो रही कभी एक उम्र कभी एक उम्र कभी दूसरी उम्र जब तक जमहूरियत एक्चुअल जमहूत नहीं आएगी उसको आठ दस साल नहीं लगेंगी लोगों का ट्रस्ट हम पे नहीं बनेगा वहाँ उनके कश्मीर के क्या हालात है इस वक्त ये वहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंटरनेशनल मूवीज़ की शूटिंग भी हो रही है क्या कहेंगे इसमें है कि इंडिया ने ना पिछले जो कुछ सालों में कश्मीरी लोगों का माइंड चेंज करने के लिए जो कोशिश की है उसको वो, वो वाकई काबिल साइश है उसमें कैसे है कि उनकी मूवीज़ देख लें वो मूवीज़ के जरिए उन्होंने लोगों का माइंड चेंज किया है और हमने क्या किया कि हमने उन लोगों को अपने लोगों को दबाना शुरू कर दिया जब हम अपने लोगों को दबाना शुरू कर देते हैं ना तो वो आपके साथी नहीं बांधते वो आपके दुश्मन बानते हैं हमने बजाय उनकी सहमति क्रिएट करके हमने उनके सर पर हाथ रख के उनको प्यार करने के बजाय ना हमने पहले यतीम किया फिर यतीम पर भी किया हम हमारी तरफ से ना डोगली पोलिसी चल रही है लेकिन फिर हम जैसे बांग्लादेश हमसे अलग हुआ हमें आज भी दुख होता है रोना भी आता है इस बात पर कि वो बंगाली हमारे भाई थे लेकिन जिन्होंने उनके साथ ज्यादा जिन्होंने की है बंगाली मेरा पास चले ना मैं बांग्लादेश में जाकर शेख मजीब रहमान के दरबार पर खड़े होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूं कि आप हीरो थे और हमारी तरफ़ से म हुआ जुलम हम 25 करोड़ ने नहीं, नहीं किया लेकिन इस पर सोचना चाहिए कौम को भी हमारी कौम को भी इस पर सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि खुदा रहा खुदा रहा जो हमारे पास खुदा ने जो नेमत दी है ना इसको हम संभाल लें कश्मीर डे मनाना बहुत ज़रूरी है ठीक है मनाते हैं हम उनको याद करने तो के, के लिए वहाँ के कश्मीरी इधर आना पसंद करेंगे जहाँ आटे की लाइन है वहाँ उनको पंद्रह रुपये किलो मिल रहा है तो वो छोड़ के इधर आएंगे आपको आपको पर्सनली लगता है देखें मुश्किल जो है ना हर कौम पे आती हैं मुश्किल के बाद ये आसानियाँ होती हैं लेकिन उन मुश्किल का अगर हल कर लिया जाए मिल हल कर लिया जाए तो बहुत फर्क है छिहत्तर साल से आप लोगों की मुश्किलें कमी नहीं हुई सर छिहत्तर साल बाद भी अगर आपको आटे की लाइनों में लगना पड़ रहा है और आटे की लाइनों में लोगों की मौत हो जाती है लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है भूख के मारे अपने बच्चों के साथ मर जाते हैं बेचारे तो बहुत अफसोस की बात है और वो भी तब जब आपका मुल्क छोटा सा मुल्क है लोग कम है हम तो 140 करोड़ को संभाल रहे हैं आप तो 25 करोड़ हो उसके बाद भी आपके यहाँ फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल रही हैं आपके बाद भी एजुकेशन नहीं मिल रही इंफ्रास्ट्रक्चर uh, नहीं मिल रहा बिजली पानी गैस 25 करोड़ छोटे परिवार हम तो 140 करोड़ हैं, आप हमारे ऊपर उंगली उठा देते हो फटाक से देखो ये हो रहा है वो हो रहा है हो रहा है अरे आबादी भी तो देखो हमारी 140 करोड़ को संभालना है आपसे तो 25 करोड़ नहीं संभाल रहे और आप बात करते हो कि जी भारत ऐसा है भारत ऐसा है। भारत कैसा है भारत दिख रहा है कैसा है भारत दिख रहा है कैसा है अगर आपके जैसी सोच हमारी होती आपके जैसा जैसी जैसा माइंडसेट हमारा होता ना तो हम भी आज आपकी तरह बने होते हम आज दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन चुके होते हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त नहीं हुआ होता ये आम पाकिस्तानी को समझना पड़ेगा कि चूरन को खाना बंद करिए कश्मीर वाला चूरण सेवेंटी सिक्स ईयर्स में आइए कह रहे थे कि मैं जाके वहां पर माफी मांग लूंगा अरे पच्चीस करोड़ आवाम कहीं आवाम की गलती है जब बांग्लादेश में मुजिबुर रहमान के साथ ना इंसाफी हो रही थी वहां के लोगों के साथ ना इंसाफी हो रही थी आपके यहाँ के कितने लोग प्रोटेस्ट में उठ खड़े हुए बोले कि जी हम प्रोटेस्ट करते हैं और हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं हम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं कितने लोग आए एक भी नहीं आया अरे और बांग्लादेशी सब जानते हैं कुछ है नए नवेले तिक्का खान की पैदाइश वो उनको लगता है कि नहीं पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा है उनको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है और अगर आपके नुमाइंदों ने किया है इट मीन कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने किया है आप समझ रहे हैं क्योंकि आपने उनको हक दिया है अपने देश को रिप्रेजेंट करने का और उन्होंने किया है तो अगर आप ये कहते हैं अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमारा आवाम का कोई दोष नहीं है वो किया नेताओं ने किया अरे भाई उनको किसने बिठाया और अगर आपका दोष नहीं है तो उन नेताओं के खिलाफ आप उस वक्त सड़कों पर क्यों नहीं उतरे आज क्यों नहीं उतर रहे हैं आज ही उतर जाइए नहीं उतरेंगे आप लोग क्योंकि आप लोग दोगले हैं और बताइए आप लोग इस कमेंट करके क्या बताते हैं आपकी राय क्या कहती है और ये कश्मीर पर तो इनका रोना धोना चालू रहेगा जल्दी बताइए मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद